सिर्फ 5 मिनट में यू कैन गो फ्रॉम दिस टू दिस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप सिर्फ 5 मिनट में कैसे ड्रैप टू फैब बन सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ मिलने जाना हो, चाहे डिनर पे जाना हो, चाहे आपको लंच पे जाना हो, ब्रंच पे जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, यू वांट टू गेट रेडी इन 5 मिनट। यू आर इन हरी, यू आर इन रश, यू कांट टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर फेस। आप बहुत ज्यादा देर तक अपना मेकअप नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में ऐसी स्किन से ऐसी स्किन पर पहुंच सकते हो, ओनली इन 5 मिनट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप से भी ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी स्किन नेचुरली फ्लॉलेस हो। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी और आपकी स्किन हेल्दी होगी, देन आपको बहुत सारा प्रोडक्ट्स भी लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मेकअप बिल्कुल लाइट वेट क्रिएट होगा, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेयर नहीं करने पड़ेंगे। So, मैं ऑलरेडी अपनी स्किन को क्लेंस कर चुकी हूँ विद दिस सेट ऑफ जेंटल स्किन क्लेंजर, ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन। एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई लॉरियल पैरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। यू गाइस नो आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट 1 ईयर, और 1 ईयर में मैं इसकी एटलीस्ट 2-3 बॉटल्स फिनिश कर चुकी हूँ क्योंकि मैं रेगुलरली इसको यूज करती हूँ एंड आई लव द इफेक्ट ऑफ इट। So I'm just gonna take 2-3 drops of it और अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करूंगी एंड जेंटली डैप डैप करके आई मेक श्योर कि मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट स्टेप मैं अपने फेस के ऊपर लगाने वाली हूँ लॉरियल पैरिस रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल जेल क्रीम। दिस इज एक्चुअली अ न्यू लॉन्च एंड दिस इज अ न्यू एडिशन इन लॉरियल पैरिस क्रिस्टल रेंज। तो गाइज दिस जेल क्रीम इज सो अमेजिंग। इफ यू हैव ऑयली स्किन ना, उसके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। दिस इज नॉट अ क्रीम, ये जेल क्रीम है। इट इज अ जेल फॉर्मूला। तो ये स्किन के ऊपर ना टॉप लेयर पर बैठी नहीं रहती है, इट जस्ट डीपली एब्जॉर्ब्स इनटू योर स्किन। एंड आपकी स्किन अगर ऑयली है ना, एंड अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, उसके लिए बहुत ही अच्छी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर आपको मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपकी स्किन की टॉप लेयर को ना एक्सफोलिएट करता है। एंड अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने है ना, उसके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि आपके डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे एंड आपके पोर्स भी क्लियर हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्ने नहीं क्रिएट होगा। सो इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन ना, अमेजिंग क्रीम है उसके लिए। And I have never heard of many salicylic acid creams in the market. It is a water-based oil-free formula जो कि आपकी स्किन में 8 hours तक ऑयल को कंट्रोल करके रखता है। So this L'Oréal Paris Crystal Gel Cream आपकी स्किन के 10 layers deep penetrate हो जाता है and also it deeply refines, purifies your skin. It minimizes the appearance of your pores and it is great for that crystal clear skin. Also guys, the best part, it is clinically and dermat tested. इसके अंदर कोई भी synthetic dyes नहीं है, colorants नहीं है या फिर parabens नहीं है। Also it is non-comedogenic, यानी कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। यानी 50 ml का टब आपको रिटेल करेगा 699 रुपीज का। एंड अगर आपको ट्राई करना है, अगर आपको अभी छोटा लेना है, सो यू कैन डेफिनेटली बाय अ 15 ml साइज जो कि आपको रिटेल करेगा 299 रुपीज। ओके, नेक्स्ट मैं अपने लिप्स को भी हाइड्रेट कर लूंगी बिफोर मूविंग ऑन टू मेकअप। दिस इज द डियर सीक्रेट्स का लिप प्लम्पर। दिस इज अ लिप बाम प्लस लिप प्लम्पर। तो ये मेरे लिप्स को हल्का सा प्लम्पिंग इफेक्ट भी देगा। नाउ क्योंकि हम स्किन को ऑलरेडी इतने अच्छे से प्रेप कर चुके हैं ना, आई डोंट थिंक वी नीड एनी प्राइमर क्योंकि ये मेकअप भी बहुत ज्यादा लाइट वेट होने वाला है। हैवी मेकअप होता है तो वी डू नीड अ प्राइमर क्योंकि हमको चाहिए होता है कि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। बट क्योंकि हम बहुत ज्यादा लाइट वेट मेकअप कर रहे हैं, नो फाउंडेशन मेकअप कर रहे हैं, सो वी डोंट नीड एनी प्राइमर। आई एम डायरेक्टली गोना मूव ऑन टू माई कंसीलर। सो कंसीलर आप कोई भी अपना फेवरेट कंसीलर डेफिनेटली ले सकते हो। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ कंसीलर विच इज 1 टोन डार्कर टू योर स्किन टोन, और यू कैन ऑल्सो यूज अ जो कि आपकी स्किन टोन का हो। लाइट नहीं लेना। इफ यू विल गो फॉर अ लाइटर कंसीलर ना, सो वो आपका मेकअप को ऐशी बना देगा, यानी कि आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा। सो एट दिस पॉइंट स्टे अवे फ्रॉम अ लाइटर शेड कंसीलर। सो जहां जहां भी पिगमेंटेशन है, मैं वहां पे इस कंसीलर को अप्लाई करूंगी। ऑल्सो ऑन माई एक्ने स्पॉट्स, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लाइट वेट मेकअप कर रहे हैं ना, मैं बहुत सारा कंसीलर नहीं लूंगी, जस्ट स्पॉट कंसीलिंग करूंगी। जहां जहां पे भी लाइक एक्ने है, जस्ट वहीं पे हल्का हल्का कंसीलर अप्लाई कर लूंगी सो दैट आई गेट अ नाइस कवरेज। बट मेरा मेकअप जो है, मेरा बेस जो है, वो बिल्कुल नेचुरल और लाइट वेट लगेगा। सो नाउ क्योंकि हमने यहाँ पे स्पॉट कंसीलिंग करी है, आई एम गोना टेक अ वेरी स्मॉल टाइनी सा ब्लेंडिंग ब्रश। यूजुअली मैं ये पैक का 073 ब्रश यूज करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कौन सा कंसीलर ब्रश यूज करते हो, क्योंकि मैं हमेशा ये यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट क्योंकि आज हमने स्पॉट कंसीलिंग करी है एंड वी वॉन्ट आवर बेस टू लुक वेरी वेरी नेचुरल, वेरी फ्लॉलेस, इसलिए मैंने छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया। तो डैब डैब करके आई एम गोना ब्लेंड दिस कंसीलर आउट। एंड आपको पता ही है, जब हम डैबिंग करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डैब करो और ब्लेंड करो। सो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में डैब करो और ब्लेंड करो जरूर लिख देना। और ब्लेंड करने के बाद यू विल फील कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो थोड़ा सा पैची सा इफेक्ट आ जाएगा। बट उसको कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। ओके गाइस, कंसीलर ब्लेंड हो गया, आई गॉट अ नाइस कवरेज। बट द फैक्ट कि मेरी स्किन अभी बिल्कुल अनइवन लग रही है ना, इसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ताकि हमारी स्किन टोन एकदम इवन हो जाए। बट क्योंकि आज हमें चाहिए हमारा बेस बिल्कुल लाइट और नेचुरल एंड फ्रेश, आई एम गोना डू वन थिंग, जो भी कंसीलर मेरे ब्रश के ऊपर लेफ्ट ओवर है ना, आई एम जस्ट गोना रन इट ऑन माई फेस इस तरीके से. तो उससे क्या होगा, मेरी जो कंसीलर है वो अच्छे से मर्ज हो जाएगा स्किन में. ऑल्सो मुझे एक इवन स्किन टोन मिल जाएगी. ओके गाइज, यू कैन सी कि मुझे एक अच्छी सी कवरेज मिल गई है. माई स्किन इज लुकिंग नाइस एंड नेचुरल एंड फ्रेश. आई एम जस्ट गोना हाईलाइट माई अंडर आईज सर्कल्स, क्योंकि आप जब अंडर आईज के ऊपर हल्का सा लाइट कंसीलर अप्लाई कर लेते हो ना, आफ्टर कंसीलिंग ऑफ कोर्स, आफ्टर कलर करेक्टिंग, आपका फेस इतना ज्यादा वेक्ड अप लगता है ना, बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट आता है. जस्ट टू लिफ्ट अप माई फेस लिफ्ट का एक फेक इफेक्ट देने के लिए आई एम जस्ट गोना अप्लाई लिटिल बिट ऑफ कंसीलर ऐसे करके. तो उससे क्या होगा, मेरा फेस एकदम लिफ्टेड लगेगा. ऑल्सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको अपने फेस के इम्परफेक्शंस को हाइड करना ना, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेयर करने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जो लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रही है ना, उसको मैं अपनी स्किन के साथ अच्छे से मर्ज कर लूंगी, ताकि फेक इफेक्ट ना आए, बिल्कुल नेचुरल लगे. Okay, so now I'm gonna set my face with a compact powder. You can use a loose powder if you want, but compact powder ना यहाँ पे मुझे एक added coverage देगा. Also क्योंकि मैं इसको अपने पूरे face के ऊपर apply करूँगी, it will give me a nice and even coverage. And now I'm gonna apply my blush. ना यहाँ पे मैं हम contour, highlight and blush अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि it is a 5-minute makeup. But उसकी application की technique ऐसी होगी कि वो आपको contour का illusion भी देगा. Also मैं यहाँ पे एकदम muted pink color ले रही हूँ, क्योंकि मेरी pink undertones है. Now अगर आपकी warm undertones है, you can take like थोड़ा सा कोरल टोन में आप ब्लश ले सकते हो. दैट विल लुक नाइस एंड नेचुरल. यूजुअली मैं सिर्फ ऐसे अप्लाई करती हूँ, आज मैं थोड़े से अपने टेम्पल्स की तरफ भी लेके जाऊंगी. दैट विल गिव मी अ नाइस फेस लिफ्ट इफेक्ट. I always like to apply some blush on my chin and my nose, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा इफेक्ट देता है. नेक्स्ट अब आई एम लाइटली गोना फिल इन माई आईब्रोज. थोड़ा सा आईब्रोज को शेप दे दूंगी ताकि नाइस एंड ग्रूम्ड लगे. नाउ आई एम गोना ऐड अ गुड कोट ऑफ मस्कारा. थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई करूंगी. नाउ यहाँ पे काजल, आईलाइनर, आईशैडो, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली ऑप्शनल. अगर आपको लगाना है इट्स अप टू यू. आई डोंट यूजुअली अप्लाई लाइनर्स और काजल्स, so I'm just gonna add some mascara. I just like to tight line my eyes a little bit. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काजल लेके ना अपना टाइट लाइन कर लेती हूँ. I hope you can notice कि मैंने यहाँ पे टाइट लाइन किया है और यहाँ पे नहीं किया. And you can notice कि मेरी ये वाली lashes कितनी ज्यादा heavy लग रही है. And now for my lips, I'm just gonna add some natural pink color का lip liner. And now I'm gonna add some lip gloss. And this is my final look guys. I really hope कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. थोड़ी सी मैंने यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करे हैं. मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.